ये बंगाली यार, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि चौक पूजा या पंचमारा मेला, जिसे नील पूजा या हजरा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। तो यार, आप लोगों को पता हो या ना हो, शायद मेरे हिसाब से जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो चौक पूजा है, ये भगवान शिव के सम्मान में एक आयोजित जो कि हिंदू लोक त्यौहार है। तो यार, उसी चौक पूजा में हम लोगों को ये भी देखने को मिलता है कि भक्ता के माध्यम से लोगों के द्वारा शिव को खुश करने के लिए, महादेव शिव को खुश करने के लिए जो एक से एक स्टेप लिया जाता है, जो कि जिसमें जान भी जा सकता है। फिर भूल जाएगा तू सारे जिंदगी के गम, तुझे देंगे बोले दर्शन साक्षात सामने जैसे हनुमान जी को दी। तो यार, ये जो भक्ता के माध्यम से जान की बाजी हम लोगों को देखने को मिलता है, ये सिर्फ भगवान का जो भक्त होता है उन्हीं के द्वारा संभव होता है। और उस टाइम इसका जो जान का भार है, ठीक है, दायित्व तो है, वो सिर्फ भगवान शिव के ऊपर ही छोड़ा जाता है। हर हर महादेव महाकाल बम बोले बम बोले। तो यार, कहा जाता है कि ये आम आदमियों की बस की बात नहीं होता है, जो कि भगवान का सच्चा भक्त है वो शिव का, तो वही ये कर पाता है। तो यार, ये भक्ता करने के लिए, भगवान शिव को खुश करने के लिए एक साल से एक व्रत रखा जाता है, नियम रखा जाता है। तो उसका नियम किस तरह से है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो वो कमेंट करके बताना। लेकिन सब कुछ भगवान शिव के भरोसे छोड़ देने से क्या हो सकता है, जान भी जा सकता है। आप सभी को पता है कि भक्ता जिस तरह से नीचे प्रदर्शन किया जाता है, उसके साथ साथ ऊपर में जो एक लकड़ी लगा के उसके एक साइड में झूल के भी भक्ता किया जाता है, तो वही भक्ता का जो लकड़ी है वो अगर टूट जाए तो तब क्या होगा। तो वैसे ही एक घटना घटा जिसके चलते वो टूट के बेचारी नीचे गिरा। नीचे गिरने के बाद उसका जो लकड़ी भी है उतना मोटा सा, वो भी उसके ऊपर गिरा। तो उस आदमी का क्या हाल हो सकता है, वो बेचारे वहीं पे मर गया। तो पूरा फुल वीडियो में रहिए, आप लोगों को ये भी देखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा कि ये घटना कहाँ का है। तो यार, आप लोगों को एक बात बता दें, ये ऊपर में जो भक्ता किया जाता है, ये भी एक भक्ता का चौक पूजा का एक हिस्सा है, जो कि एक आदमी को रस्सी में पकड़ बांध के उसका पूरा पीठ में इधर उधर घुसा के, तो उस तरह से थोड़ा बहुत बहुत ही दर्दनाक सीन देखने को मिलता है। तो वही वाला ऊपर का डांडी अगर टूट जाए तो वैसे घटना घटा जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, तो वो टूट गया। और टूटने के बाद वो तो ऊपर से गिरा तो गिरा, और साथ साथ उसका डंडा जो है इतना मोटा सा वो भी उसके ऊपर में गिरा, तो उसका हड्डी पसली जो है पंजरा मंजरा पूरा टूट गया। तो बेचारी वहीं पर वो बचेगा या नहीं बचेगा, लास्ट तक देखिए। हेलो, तो यार, बहुत सा जगह में चौक पूजा हो रहा है, और ऐसा चौक पूजा आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, लेकिन ऐसा चौक पूजा नहीं देखा जिसके चलते यहाँ पे घटना उस टाइम का है यार, जहाँ पे भक्ता उगाते हुए वहाँ पे बहुत सारा आदमियों का भक्ता हो चुका था, उसके साथ साथ और दो एक बाकी था, लास्ट टाइम चल रहा था। और हो सकता था कि उसका दो एक आदमी का होने के बाद भक्ता खत्म हो जाता, मेला खत्म हो जाता, तो उसी टाइम ये घटना घटा, ऊपर से आदमी गिरा और उसके साथ साथ जो डंडा उतना मोटा था वो भी उसके ऊपर में गिरा, और गिरने के बाद उसका जो पंजरा वंजरा है वो टूट गया। तो यार, इस भक्ता में उड़ने वाला आदमी के साथ जो घटना घटा, उतना ऊपर से बेचारे गिरा, और गिरने के बाद उसका जो हड्डी पसली टूट गया, जान की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। तो इसका जिम्मेदारी आप लोग किसे समझेंगे, कि ये भगवान शिव को या उसके पूजा में कुछ डिस्टर्ब हुआ, त्रुटि हुआ, या उसका जो एक साल का जो नियम है उसमें कुछ भंग वंग किया होगा जिसके चलते, या उस कमेटी को जहाँ पे उन्होंने जो लकड़ी लगाया है वो लकड़ी कब का सड़ा हुआ लकड़ी है और अभी तक वो यूज कर रहा है, तो उसको तो यार ये चीज़ जो है आप लोग कमेंट करके बताना। तो
जहरा काम नहीं हुआ। हो अल्पिया दार ना व्यवस्था तंत्र ने दार ना ने व्यवस्था के तरफ दार बदल रहे हैं बदल रहे हैं दीप दरु में हो अल्पिया दार भैया अल्पिया दार बनाने अल्पिया भैया ने भीड़ अल्पिया लगा रहे हैं तो यार ऑलमोस्ट भोक्ता कंप्लीट हो चुका था और यही लास्ट में इसको उतार दिया जाता तो ऑलमोस्ट भोक्ता खत्म ही जाता, मतलब मेला खत्म हो जाता, उसके बाद भोक्ता भोक्ता कुछ नहीं होता। ये 27 तारीख का घटना है। लेकिन यार यहाँ पे एक तो बात सोचने वाला है कि ये जो लोकेटी टूटा, ये जहाँ तक तो मेरे को लग रहा है कि ये कॉमेडी के लापरवाही में हुआ है। और साथ में आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना, अगर ये वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं, और हो सके तो शेयर भी कर देना कि भोक्ता में ये सब भी होता है कि जहाँ तक भी जहाँ जहाँ कमेटी इस तरह से भोक्ता करवाता है वहाँ पे अंततः ऊपर का जो लकड़ी है वो थोड़ा बहुत देख के करवाए ताकि दूसरे का जान ना जाए। तो यार ये घटना जो है, ये घटना है आपका गाँव का नाम है दर्शनदी और जिला जो है वो है पाकुड़ और राज्य जो है वो है झारखंड। तो जहाँ जहाँ इस तरह से भोक्ता मेला होता है और ऊपर में जो घुमाया जाता है तो वहाँ पे कॉमेडी को यही कहना चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा बहुत देखिए और ऊपर में कम से कम उसका जो डंकर फंकर है वो लगाने से पहले थोड़ा आप लोग जांच पड़ताल करके देखिए कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है। एक आदमी का भार नहीं भी तो 70-80-90 किलो होता है, ठीक है, 45 किलो का कभी कभी दो एक आदमी ही वैसा होता है। तो ये देख के अगर आप लोग कीजिएगा तो इस तरह से खुलेआम एक आदमी नहीं मरेगा, तो ये वाला बात है। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है ये कॉमेडी की गलती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। यार वीडियो का इन्फॉर्मेशन अगर आपको को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब का बेल आइकन घंटी भी दबा कर रख देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।